हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बुक कुक में। आज हम बिना प्याज और लहसुन के छेने का करी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। छेना करी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है छेना। छेना आज हम घर में बनाएंगे। घर में छेना बनाना बहुत ही आसान होता है। तो छेना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 1 लीटर दूध ले लिया है और उसको उबालने के लिए गैस के ऊपर रख दिया है। बीच बीच में हम दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई ना जम सके। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर दूध उबलने लगा है। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको इस तरह से चलाएंगे तो वो छेना बन जाएगा, देख सकते हैं आप। धीरे धीरे ये चारों तरफ से फटने लगा है। अभी इसी टाइम में हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे। देखिए किस तरह से ये छेना बन गया। बस और इसको बस 2 ही मिनट इस तरह से गैस में बिठाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम छेने को गैस से नीचे उतारकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम छेने को स्टेन करके सेपरेट कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, चलिए स्टेन करके इसके अंदर से सारा पानी हम निकाल देंगे। आप चाहे तो कपड़े की हेल्प से भी इसको स्टेन कर सकते हैं। हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। इस पानी को मैंने फ्रीजर में 15 मिनट तक छोड़ दिया था जो ठंडा हो चुका है। छेने को साइड में रख लेते हैं ताकि इसमें से सारा पानी अच्छे से निकल जाए। जब तक छेने में से सारा पानी निकलता है हम इसमें कुछ टुकड़े अदरक के और एक हरी मिर्च कूट के ले लेंगे, जो हमें जब छेने का बल हम बनाएंगे तब हम उसमें ये डालेंगे। अब हम छेने के बल बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। छेना ठंडा हो चुका है, यहाँ पर छेने को ले लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से इसके अंदर से सारा पानी निकल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ही सूजी डालेंगे। ये मैंने उपमा वाला सूजी लिया है, जिस सूजी से हम उपमा बनाते हैं वो थोड़ा सूजी इसमें डाल देंगे। सूजी डालने से छेने के जो बल बनेगा थोड़ा सा क्रिस्पीनेस उसमें आ जाएगा और अच्छा बाइंडिंग भी बन जाएगा। तो यहाँ पर चुटकी भर मैंने हल्दी ले लिया है और बस थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, क्योंकि बाद में हमें जो करी है उसमें तो नमक हमें डालना है, तो इसीलिए थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। और यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च जिसको हमने कूट के लिया था वो डाल देंगे। अभी सारे चीज को अच्छे से हम इस तरह से हाथ में मिला लेंगे। सूजी डालने से और एक चीज होता है, अगर आपके छेने में थोड़ा सा भी पानी बच गया होगा तो वो उसको सोख कर लेगा ताकि बल बनाने में आसानी होगी, और जब तेल में हम उसको तलेंगे तो वो खुलेगा नहीं। इस तरह से इसको मिला लेना है ताकि हल्दी, नमक, अदरक और जो हरी मिर्च हमने कूट के लिया था सारा चीज अच्छे से मिल जाए। तो छेना जब हम उसको फ्राई करेंगे उसमें सारी चीज का स्वाद आ जाएगा। हम छेने के बल बना लेते हैं। छेने के बल बनाने के लिए बस ऐसे ही थोड़ा सा ही लेना है और हाथ में इस तरह से राउंड करके बल बना लेना है, देख सकते हैं इस तरह से। इसको थोड़ा सा छोटे छोटे साइज में ही बनाना है ताकि हम इसको जब तलेंगे वो फूल जाएगा। कुछ और बना लेते हैं। इस तरह से कढ़ाई में कुछ तेल को मैंने गरम होने के लिए छोड़ दिया था। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें
छेने के बल्स डालेंगे। इसको हाई फ्लेम में नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम में ही सारे छेने के बल को हम तलेंगे। ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का दिखने लगा है, अब हम इसको टर्न करेंगे। ज्यादा देर इसको हम नहीं पकाएंगे, बस गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से इसको पकाएंगे और मीडियम फ्लेम में ही हम पकाएंगे। ज्यादा फ्लेम में हम इसको पकाएंगे तो ये जलने की चांसेस रहता है। अभी दूसरे साइड में भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए छेने को भी हम इस तरह से ही तल लेंगे। आप स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप करी नहीं बनाना चाहते हैं इस तरह से आप इसको तल के स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। कोई घर में मेहमान आए तो उनको भी बना के दे सकते हैं। बाकी के सारे छेने को इस तरह से हम तल के निकाल लेंगे। बाकी के छेने भी हमारा बन गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। सारा छेना अच्छे से पक गया है। तेल में हम छेने के बल तल रहे थे, उसी में से कुछ तेल निकाल के बाकी के तेल में हम आज की सब्जी बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये दालचीनी, दो टुकड़े मैंने इलायची के लिए हैं, 5 मैंने लौंग लिया है और कुछ काली मिर्च। अब हम इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे, मैं छोटा वाला तेज पत्ता यहाँ पर डाल रही हूँ। अदरक और एक हरी मिर्च डालेंगे, काजू और कुछ अलमोंड डालेंगे। इसको भी हम अदरक हरी मिर्च के साथ फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, यहाँ मैंने 2 छोटे टमाटर को काट के ले लिया है। सारी चीज को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंडिंग करेंगे। बस इतना ही पकाना है, ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है। अब हम इस गैस को बंद करेंगे और इस मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा होता है फिर हम इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और मसाला जिसको हमने भून के ग्राइंडिंग करके रखा था अब हम इसमें डाल देंगे। स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़े से ही हम वही 1/2 स्पून के लगभग हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। 1/2 स्पून में यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, कुछ नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने हिसाब से डाल लेना। अच्छे से सारे मसाले को हम मिला लेंगे। हमने यहाँ पर काजू और अलमंड के लिया था तो मसाला नीचे लग जाने का डर रहता है, तो मैं जैसे ही मसाला थोड़ा सा ही सूखने लगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। यहाँ पर मैंने मसाला वाला पानी दे रही हूँ, मसाला मतलब जिस कटोरे में मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था उसी कटोरे में मैंने पानी रखा हुआ था, वही पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। पर 1/2 ढक्कन के बराबर मैं यहाँ पर सोया सॉस डाल रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको पानी दे देना है। ले लगा है सारे छेने के बल्स को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रखना है जब भी आपको पानी इसमें डालना है के बॉल से वो पानी को ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें पानी डालिएगा कि बाद में ये सोक करने के बाद
आपको जितना थिकनेस चाहिए करी में उतना थिकनेस आ जाएगा। अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। रेडी हो चुका है छेना करी। मैं इसका ग्रेवी इतना ही रखती हूँ क्योंकि हम इसको बंद करने के बाद थोड़ी देर हम इसे रख लेंगे तो उसके बाद ये प्रॉपर इसका ग्रेवी बन जाएगा, थिकनेस उसमें आ जाएगा। छेना करी बन के रेडी हो चुका है। अभी हम गैस को ऑफ कर लेंगे और कुछ कसूरी मेथी को जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था उसको क्रश करके इसमें डाल देंगे। हेना आसान विदाउट ओनियन एंड गार्लिक के छेना की करी बनाना। इसको हम पूजा और त्योहार के समय भी बना के खा सकते हैं। रोटी के साथ, पूरी के साथ या फिर चावल के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। टिफिन में भी हम इसको बना के स्कूल के लिए बच्चों को भी दे सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा।